नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य। आज हम पर्सनल फाइनेंस को लेकर कुछ ऐसे की पॉइंट्स को कवर करेंगे जो अर्ली एज में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। इन्हें हम डिटेल में जानेंगे और बहुत गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और आने वाले टाइम में पर्सनल फाइनेंस में कभी भी इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो पैसा होना चाहिए। पैसा चाहे कहीं से भी आए, एक्टिव पैसिव कहीं से भी आए, स्टार्टिंग में आपको एक्टिव चाहिए होगा। एक्टिव से ही आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कुछ एसेट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट है पैसा आना चाहिए, वो जॉब से आए या कहीं और से आए। जो की पॉइंट्स की बात कर रहे थे पर्सनल फाइनेंस में, उन सारे की पॉइंट्स को एक एक करके जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो मैंने की पॉइंट नोट किया हुआ है वो किया हुआ है क्रिएट अ बजट। सबसे पहले आपको बजट क्रिएट करना पड़ेगा। एक्टिव इनकम हो सकता है कि आपकी जॉब से आती हो या ट्रेड करके आती हो या कोई भी ऐसा सोर्स हो सकता है जहां से आपकी एक्टिव इनकम आती हो। तो सबसे पहले क्रिएट अ बजट, आपको बजट क्रिएट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और दूसरा सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, मतलब सबसे पहले आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करेंगे पैसा तभी तो जाके कहीं आने वाले फ्यूचर में, या आज आप सेव करेंगे तो कल उसे स्पेंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, तो दूसरा पॉइंट ये था सबसे ज़्यादा। अब उसके बाद तीसरा जो मैंने नोट किया है आपके लिए पॉइंट, वो है सेट फाइनेंशियल गोल्स। सेट फाइनेंशियल गोल्स में आप जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अब से 2 महीने बाद आप अपनी सुपर कार लेंगे या फिर बाइक लेंगे, सुपर बाइक लेंगे, या हो सकता है आप अपने लिए हाउस बाय करेंगे, या कोई भी आपकी ट्रिप प्लान हो सकती है। जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड पैसे बचा के आप जो है अपने गोल्स को सेट करेंगे। तो तीसरा पॉइंट ये है हमारा। और चौथा पॉइंट है जो मैंने आपके लिए नोट किया है, वो चौथा पॉइंट है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली का मतलब ये है कि आपको कम से कम एज में अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं, SIP से भी कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड भी बहुत सारी आपको वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ को अपलोड कर रखा है कि शेयर मार्केट कैसे करेंगे। अगर आपको इंटरनेशनल शेयर मार्केट में जाना है, ठीक है, तो ट्रेडिंग में जाना है, तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना सकते हैं, आप उन्हें जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। आप अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम फिफ्थ पॉइंट मैंने नोट किया आपके लिए, अवॉइड डेट। अवॉइड डेट का मतलब ये हो गया कि आपने जो क्रेडिट कार्ड ले रखा है, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है 30,000, तो उसमें सबसे पहले तो आपको लिमिट को एक लिमिट से नीचे ही रखना है। जैसे 30% यूज करो, 20% यूज करो, क्योंकि ज़्यादा डेट अगर आप क्रेडिट कार्ड पे भी ले लेंगे तो भी क्या है, आपको रीपे करने में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। और EMI वाला ऑप्शन भी आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपके ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ता है। अगर आपकी इनकम कम है और EMI ज़्यादा आ रही है तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो अपने जो लोन है, डेब्ट है, क्रेडिट कार्ड लोन्स वगैरह, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करो अपनी अर्ली एज में। और अगर सही नहीं चल रहा है तब तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। और उसके बाद आता है हमारा सेव अर्ली। सेव अर्ली का मतलब भी लगभग इन्हीं पॉइंट्स को मिला के, ये पहले के थर्ड और फिफ्थ इन सबको मिला के कि सेव अर्ली। अर्ली एज में आपको इन्वेस्ट भी करना है, अर्ली एज में आपको सेव करना है। जब सेव करेंगे तभी आप जाके इन्वेस्ट भी कर पाएंगे उस पैसे को। तो सेव अर्ली तो ईजी सा है, एक्सप्लेनेशन इसका मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको। तो आ जाइए अपने सबसे मेन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट BS 7 पॉइंट। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन को रिलेटेड है। इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमरजेंसी। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि कभी भी हमें परेशानियों का पता नहीं होता है, और कभी भी ऐसी सारी चीज़ें आ जाते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता है। जैसे कि आप काम कर रहे हैं लगातार और आपकी तबीयत खराब हो गई, अब आपको लीव लेना पड़ेगा, आपका वहाँ लॉस भी होगा और पैसे खुद के जेब से भी जाएंगे। तो ऐसी सारी सिचुएशन में एज अ होना बट एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, तो कई बार वहाँ पे बहुत सारे अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ऐसे में बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। तो इन लॉसेस को कैसे हम पहले से प्री सेट करके इनसे बचें, तो वो 7 पॉइंट यही है कि इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमरजेंसीज। तो आपको कुछ फंड जो है हमेशा अपने इमरजेंसी के लिए भी बचा के रखना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उस फंड का यूज कर सकें। तो ये 7 की पॉइंट मैंने आपको समझाए, एक एक करके हम इन्हें बहुत ही क्विक रिविजन के साथ दोबारा से करते हैं। क्रिएट अ बजट, सबसे पहले बजट बनाओ, और सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर दूसरा है पॉइंट हमारा, और तीसरा है हमारा सेट फाइनेंशियल गोल्स, चौथा है हमारा स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, फिफ्थ पॉइंट मैंने जो नोट किया है वो नोट किया है अवॉइड डेब्ट, और उसके बाद जो नोट किया है मैंने अर्ली सेव अर्ली, और उसके बाद जो हमारा सबसे मेन पॉइंट था वो था हमारा इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमरजेंसीज। तो ये 7 पॉइंट को आप ध्यान में रखो, और ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोज़ के लिए वेट कीजिए थोड़ा सा, एक और नई वीडियो को बहुत सारी नॉलेज के साथ हम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए।